सो गाइस वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइस इस हफ्ते का स्मैकडाउन काफी ज्यादा खास होने वाला है। इस हफ्ते का स्मैकडाउन क्लैश ऑफ चैंपियंस से होने से पहले का आखिरी स्मैकडाउन भी होने वाला है। और गाइस आज के इस एपिसोड में मैं ही देखने वाले इस हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर में क्या कुछ देखने को मिल जा सकता है। तो ये होने वाला पूरी तरह से इस हफ्ते स्मैकडाउन का एक प्रीव्यू वीडियो। तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसे आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा। सो गाइस पहली चीज जो कि हमें देखने को मिल जा सकती है, उसका रोमन अटैक कर सकते हैं जेउसेस के ऊपर। तो कहीं जैसा कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए क्लैश ऑफ चैंपियन मैच होने वाला है हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रिंग्स का जेउसेस के साथ। अगर रोमन रिंग्स एक हील है और जेउसेस एक फेस भी है, अभी तक हमें दोनों के बीच में फाइट देखने को नहीं मिली है। तो कहीं मे बी हमें इस हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर दोनों के बीच में फाइट देखने को मिल जा सकती है। और हमें ऐसा देखने को मिल जा सकता है कि रोमन रिंग्स काफ़ी ज़्यादा ब्रूटलाइज तरीके से अटैक कर दे जेउसेस के ऊपर। सो गाइस नेक्स्ट थिंग जो कि हमें देखने को मिल जा सकती है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जेफ हार्डी सैमी जेन एंड एजे स्टाइल्स के बीच में। तो गाइस जैसा कि इन तीनों के बीच में मैच होने वाला है लैडर्स मैच क्लैश ऑफ चैंपियंस में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस इस हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर हमें ऐसा देखने को मिल जा सकता है कि WWE तीनों के बीच में हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी दिखा दे। और ऐसा होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी स्मैकडाउन पर देखने को मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट थिंग जो कि हमें देखने को मिल जा सकता है, हो सकता है ब्राउन स्ट्रोमैन अपना रिटर्न कर सकते हैं और स्मैकडाउन के अंदर और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्मैकडाउन के काफ़ी सारे रोस्टर को। तो क्या जैसा कि ब्राउन स्ट्रोमैन ने इस हफ्ते रॉ के अंदर डब्बा कार्टो को हरा दिया था, जो कि रॉ अंडरग्राउंड के काफ़ी बड़े रेसलर भी थे। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि ब्राउन स्ट्रोमैन का जो मोमेंटम था वो फिर से आ चुका है। यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारने के बाद उनका मोमेंटम चला भी गया था, लेकिन ब्राउन स्ट्रोमैन का देख के लग रहा है कि मोमेंटम फिर से आ चुका है और फिर से हमें स्मैकडाउन के अंदर वो तबाही मचाते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो गाइस जो स्मैकडाउन के अंदर आके कोई ना कोई रेसलर्स को धो भी सकते हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर और स्मैकडाउन के अंदर अपना रिटर्न भी कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट थिंग जो कि हमें देखने को मिल जा सकता है, वो हो सकता है ओटिस कोई वकील को लेके आ भी सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, उसके लिए जो फ्यूड चल रही है ओटिस एंड मिज के बीच में, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। WWE अजीबों को ये स्टोरी लाइन हमें दिखा भी रही है। अब पिछले हफ्ते कुछ केस उस कर दिया था मिज ने। तो गाइस इस हफ्ते हमें ऐसा देखने को मिल जा सकता है कि ओटिस अपने एक वकील लेके आ जाए, इससे स्मैकडाउन देखने में और भी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। सो गाइस नेक्स्ट एंड फाइनल थिंग जो कि हमें देखने को मिल जा सकती, हो सकता है एलेक्सा ब्लिस का कोई न्यू करेक्टर देखने को मिल जाए और ज्वाइन कर ले द फिंड को। तो गाइस जैसा कि काफ़ी समय से रूमर था कि हमें एलेक्सा ब्लिस का एक न्यू करेक्टर देखने को मिलने वाला है, न्यू गिमिक भी देखने को मिलेगा और वो ज्वाइन करने वाले द फिंड को भी। तो गाइस जैसा कि वो हमें स्मैकडाउन के अंदर आजकल देखने को मिल रहा है कि वो हमेशा सस्टा पैगेल भी लगा दे रही है, उनके करेक्टर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो ये बात तो कन्फर्म है कि हमें उनका कोई न्यू करेक्टर जरूर से देखने को मिलने वाला है और वो फिंड को ज्वाइन भी करने वाली है। शायद गाइस ये चीज़ हमें इस हफ्ते स्मैकडाउन के अंदर भी देखने को मिल जा सकता है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, उतना लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।